शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक विभाग की ओर से आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण शुरू किया गया है। इसी क्रम में शनिवार को शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में काढ़ा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 550 विद्यार्थियों को काढ़ा पिलाया गया। इस दौरान राजकीय चांदमल मोदी आयुर्वेदिक चिकित्सालय के चिकित्सा प्रभारी आशीष सोनी ने बच्चों को वार्ता के माध्यम से संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस वैश्विक महामारी में अपने आप को बचाए रखते हुए घर परिवार को बचाए एवं अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। डॉक्टर सोनी ने बताया कि अपनी जीवन शैली में संतुलित जीवन शैली को अपनाए, संतुलित आहार ले, बाजार की खाद्य सामग्री नहीं खाए, मास्क का उपयोग करे, 2 गज दूरी का ध्यान रखे, भीड़ में नहीं जाए। इस प्रकार की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। काढ़ा वितरण के दौरान संस्था प्रधान राजेंद्र प्रजापति, प्राध्यापक गुरुचरण गोयल, रोहित जैन, परमेश्वर सिंह, बाबू खान मंसूरी, मुकेश प्रजापति, मोहनलाल राव, हेमंत कुमावत, महेंद्र पाल वर्मा, नीतू मिश्रा, कंचन परिहार तथा शोभा शर्मा आदि उपस्थित थे। कोरोना को देखते हुए राजकीय चांदमल मोदी आयुर्वेदिक अस्पताल से डॉक्टर आशीष सोनी साहब हमारे विद्यालय में पधारे हैं। सभी बालकों को कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए हमें हमारी इम्यूनिटी को किस प्रकार बुस्टअप करना है उस पर व्याख्यान दिया और आयुर्वेदिक अस्पताल की तरफ से सारे बच्चों को आज काढ़ा वितरण किया गया। आज राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयुर्वेद विभाग ब्यावर यानी कि श्री चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय की तरफ से रोग प्रतिरोधक क्षमता वर्धक काढ़ा पिलाया गया है। मौसमी बीमारियों की सतर्कता को देखते हुए और जो तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस तरह का एक अभियान राजस्थान सरकार आयुर्वेद विभाग की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों पे विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है, कच्ची बस्तियों पे, बुजुर्ग जनों पे विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। इसी क्रम में हमने आज राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को अपने आप को स्वस्थ कैसे बनाए रख सकते हैं, इस मौसम में किस प्रकार से मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है, उसका हमने यहाँ पे एक छोटा सा व्याख्यान दिया। और इसके साथ ही हम यहाँ पर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो वर्धक काढ़ा है वो हम यहाँ पर आज पिला रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे ब्यावर के और भी स्कूल में प्रयास करेंगे कि हम सीधी गवर्नमेंट स्कूल्स में जाकर के और इस तरह के अभियान चलाएं।